मोदी जी आए, ममता जी यहाँ से भाग जाएगी। परिवर्तन की रैली है, परिवर्तन का परिवर्तन की रैली है। एक ही नाम बोलेगा, मेरी बच्चा बच्चा ही, जय श्री राम बोलेगा। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं अनकट, जिसका मतलब है कि बंगाल में जो हो रहा है आपको सब बताएंगे ठीक उसी अंदाज में जैसे आप सुनना चाहते हैं। मैं इस समय हूँ हुगली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है यहाँ पर, लेकिन क्या है जनता का मूड, जानते हैं आज क्या है जनता का मूड आज यहाँ पर रैली में आए हैं। बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर जो मोदी जी आ रहे हैं हम लोग के गर्व की बात है, और दूसरी बात है कि आप यहाँ पर हम लोग चाहते हैं क्या 2020-21 में मोदी जी आए, ममता जी यहाँ से भाग जाए, क्योंकि ये बीजेपी के पास तो कोई चेहरा नहीं है, राजनीति की बात करते हैं ना, हर टाइम आएगा ना, एक साल इतना साल से कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि परिवर्तन होना चाहिए, इसीलिए हम लोग तो महिलाएं से पूछ, लड़कियों से पूछेंगे क्यों होना चाहिए परिवर्तन। परिवर्तन इसलिए होना चाहिए, देश में बहुत लोग मैंने दुष्कृति छा गई है, इसलिए परिवर्तन बहुत चाहिए। आप ही बोल दीजिए किसी को। कानूनी सरकार नहीं चाहिए, हम मोदी सरकार के चाहिए। परिवर्तन की रैली है, परिवर्तन का परिवर्तन की रैली है ये रैली। दीदी क्यों क्यों अपना मोदी सरकार के चाहे बांगल क्या मोदी जी क्यों मोदी जी मोदी जी आते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि जैसे कोई उत्साह का माहौल है, कोई त्योहार बन जाता है, काम करना चाहते हैं, इसीलिए मोदी जी को हम लोग सबको सब सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी सबसे अच्छी है दिल से भी। हमारे हमको प्रधानमंत्री आपने कहा भारतवासी है, अधिकतर लोग पार्टी में टीएमसी कहती है कि आप बाहरी है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं बीजेपी के लोग बाहरी है, फेंक देना चाहिए। चलो चलो नहीं जानते हैं कि हम भारत चाहिए। अच्छा, जो जनता में अब इस बार आप लोग लेडीज हैं, आप लोगों के लिए क्या क्या मुद्दा होगा, मुद्दा क्या क्या होगा? नारी को नारी सुरक्षा होगा, सब भालो था के सही ऐसे में हमने सब थकते चाहे सुरक्षा सुरक्षित चाहे मोदी जी जेल सब करे थे से गला मदे सुरक्षा जो ने करे थे दीदी बढ़िया। मोदी जी को हम लोग चाहते हैं, हर कोई बंगला में मोदी जी आएगा, और आएगा मतलब आएगा। सपोर्टर्स की रैली है इसलिए ऐसा लगता है क्या कि जनता में भी यही है भाव? कहाँ टोपी लगी है, देखिए ये सिंबल लगे हैं और सबके चेहरे, इसे कहते हैं मास्क। अच्छा उल्टा लगा लिया इन्होंने, देखिए जोश इतना है कि मोदी जी के मास्क लगा कर दिखाइए जरा मुझे। क्या गाना गाएंगी मोदी जी के लिए? गाना गाइए मोदी जी के लिए गाना। एक ही नाम बोलेगा, घर घर मेरी बच्चा बच्चा ही, जय श्री राम बोलेगा। वो अद्भुत है देखने के लिए, न सिर्फ ये कि ये एक रैली है, लोगों की रैली है, समर्थकों की रैली है, हुजूम है लोगों का, लेकिन ये हुजूम भी जा रहा है और ये हुजूम अपने आप में कई बातें बता रहा है। अनकट में आपको और चीजें दिखाते हैं। जब इस समय रैली होती है तो लोग क्या करते हैं, देखिए ट्रैफिक का हाल इस पूरे रास्ते पर, रास्ते से ज्यादा जब भीड़ होती है सड़कों पर घंटों लोग पैदल चल के आते हैं। उम्र का तकाजा भूल जाइए, किसी भी उम्र का व्यक्ति आपको दिख जाएगा, हर तरह के व्यक्ति दिख जाएंगे। छोटी छोटी दुकानें सजी हुई है साइड में, वो आपको दिख जाएंगी, और ये गाड़ियों में भर भर कर आ रहे लोग, सिर्फ बात झंडों की या फिर अपने अपने परचम को लहराने की नहीं है, लेकिन उसे साथ में लेकर चलने की भी है। पिछले दो दशकों में जितनी बार मैंने रिपोर्टिंग की है, इस बार जो भीड़ है सड़कों पर, जो लोगों की संख्या उमड़ रही है, वो आपको दिखाते हैं। और ये एक जगह से नहीं, कई जगह से लोग आ रहे हैं, कोई लीगल सेल है, कोई महिलाओं का पूरा जमावड़ा है। देखिए जहां तक नजर जाएगी आपकी, ऐसे ही आपको दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ लोग लोग और लोग दिखेंगे। मुद्दे कई हैं, मुद्दों पर बात करने के लिए नेता हैं,
जनता है फैसला देने के लिए इस बार, और जनता फैसला देने के लिए सड़कों पर उतरी हुई है। आप देखते रहिए अनकट, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आखिरकार आपको ये बातें पसंद आई, आप और बंगाल से क्या क्या सुनना चाहते हैं और क्या क्या जानना चाहते हैं।